Are you planning to copy in your exam or already being caught while copying? Worst आपके साथ क्या हो सकता है? What are the actions that a college, institute or a university can take on student? I'll tell you everything. So make sure that you watch the video till the end. Hi guys, this is Pooja Gupta. Welcome to Media Mentor. If you're here on my channel for the first time, I make a lot of informative videos. So do subscribe to my channel. कॉपी की प्लानिंग अगर कर रहे हो तो पहली चीज़ मैं आपको बता दूंगा, इस बहुत टाइम वेस्ट होता है. और कई बार तो ऐसा भी होता है कि हमने जो चिट्स वगैरह बनाई है, इतनी सारी प्लानिंग करी है, उसके क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं. तो बेटर ये होगा कि आप थोड़ी सी पढ़ाई कर लें, एटलीस्ट यू नो ऑनेस्टली जो भी है मार्क्स लाएं. बट इन वर्स्ट सिनेरियो अक्सर मैंने ये देखा है, बच्चे इसलिए कॉपी की प्लानिंग करते हैं बिकॉज वो डरे हुए होते हैं कि मैं फेल हो जाऊंगा, मेरा साल बर्बाद हो जाएगा. तो अगर मैंने दो चार क्वेश्चन कॉपी कर लिया तो पास होने के चांसेस हैं. अगर आप उनमें से हो तो लेट मी टेल यू, अगर आप पकड़े जाते हो या पकड़े गए हो तो पहली चीज तो डिसिप्लिनरी एक्शन पे एक फॉर्म होता है जो स्कूल और कॉलेजेस आपसे भरवाते हैं. उसके बाद मीटिंग बैठती है विद द प्रिंसिपल, HOD, सुपरवाइजर जिन्होंने आपको पकड़ा है. एंड डिपेंडिंग ऑन द सीरियसनेस ऑफ द कॉपी केस, मतलब कि किस तरीके से आप कॉपी कर रहे थे, किस लेवल पे कर रहे थे, उसके हिसाब से एक्शन लिया जाता है. बिकॉज कई बार क्या होता है, दो चार वर्ड्स लिखे हैं हाथ पे तो वो इग्नोर किया जा सकता है. कई बार चिट्स पकड़ी जाती है, फिर आपको ओवरऑल आपकी चेकिंग की जाती है, अगर और मिला तो देन ऑब्वियसली वो लेवल 2 चला जाता है. आजकल ये बहुत ज्यादा हो रहा है कि मोबाइल फोन लेके किसी भी तरीके की टेक्नोलॉजी के साथ अगर आप पकड़े गए तो वो तो थर्ड लेवल हो गया, उसमें तो आपको कोई भी एक्सक्यूज नहीं मिलता है. सो ऑनेस्टली सेइंग, सारी चीजें डिपेंड करती है सीरियसनेस ऑफ द केस पे, मतलब केस टू केस आप पे एक्शन लिया जा सकता है बाय द कॉलेज अथॉरिटी एंड द यूनिवर्सिटी. सो अभी आप लोग इतने इनोवेटिव हो, कोई हैंडकरचीफ में लिखता है, कोई चिट्स बनाता है, कोई बुकलेट बनाता है. सो कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी सभी के लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल और बोलते हैं ना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होता है. एवरी ईयर इतने ज़्यादा इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ डील कर पाना और डिसाइड करना कि किस तरीके का एक्शन लिया जाए. अब जब आप फॉर्म साइन करते हो उसके बाद आप जिस पेपर में कॉपी के लिए पकड़े गए, अगर वो लेवल 1 है या यू नो छोटी मोटी गलतियां आपने की है, तो उसके लिए आपको फ्रेश पेपर दिया जाता है, क्वेश्चन पेपर भी और आंसर बुकलेट भी, और आपको पेपर लिखने के लिए परमिशन मिल जाती है. दूसरी चीज़, अगर आपका जो है लेवल 2 लेवल 3 पे आप कॉपी कर रहे थे उसके हिसाब से देखा जाए तो आपको वो पेपर में फेल कर दिया जाएगा और आपको चांस नहीं मिलता और आपको वो पेपर में KT लग जाएगी. बट अगर आप ये बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, बिकॉज अगर आप यूनिवर्सिटी का 5th सेम, 3rd सेम, 1st सेम दे रहे हो तो आपको KT लगती है और आप वो KT क्लियर कर सकते हो. बट अगर आप बोर्ड्स के एग्जाम दे रहे हो 12th एंड 10th का स्पेशली, अगर उसमें आप पकड़े गए किसी पेपर में और आपका जो केस है वो काफी ज्यादा सीरियस है, देन आपको पूरा ईयर ड्रॉप लग जाता है. दैट्स वाई बोला जाता है कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी केस को काफी ज्यादा सीरियसली लिया जाता है. सो जितने भी बच्चे बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हैं गाइस, प्लीज ये सब पंगे में ना पड़े. ट्रस्ट मी, मैंने भी बहुत बार सोचा एग्जाम टाइम में, स्पेशली मैथ्स पेपर के लिए मेरे 12th स्टैंडर्ड में, कि मैं चिट बना लेती हूँ एंड ऑल दैट थिंग आई थॉट, बट हिम्मत नहीं हुई करने की. और उसी टाइम पे मेरे क्लास में भी ऐसा हुआ था कि एक बच्चे को पकड़ा गया और उसको पेपर देने के लिए अलाउ ही नहीं किया, तो वो ऐसे भी फेल हो गया. मुझे एटलीस्ट ग्रेस मार्क्स मिले एंड आई गॉट 35. सोचो अगर मैं पकड़ी जाती तो मैं डेफिनेटली फेल हो जाती, बट एटलीस्ट मैं कुछ तो लिख के 30 तक शायद आ गई होगी और मुझे 2 to 5 मार्क्स ग्रेस मिल गया एंड आई क्लियर माई 12th स्टैंडर्ड. सो बोर्ड्स के बच्चे प्लीज़ ये गलती ना करें. अगर आप यूनिवर्सिटी एग्जाम दे रहे हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट योर फैकल्टी और योर टीचर, बिकॉज अगर आपका सेंटर दूसरे कॉलेज में आया है तो आपके कंसर्न कॉलेज से फैकल्टी को बुलाया जाता है, प्रिंसिपल के साथ मीटिंग होने के बाद डिसाइड होता है कि आपको चांस दिया जाएगा या नहीं. सो इस तरीके के एक्शन लिए जाते हैं आफ्टर योर कॉट कॉपिंग. सो मेरा तो ये एडवाइस होगा गाइस, ट्राई नॉट टू कॉपी. बट अगर ऑलरेडी आपको वार्निंग मिली है या आप कॉपी केस में फंसे हो तो मेरा यही बोलना होगा कि KT क्लियर कर लेना नेक्स्ट टाइम, और आगे से थोड़ा ध्यान देना कि आप पढ़ के जाओ, दैट इज अ बेटर ऑप्शन. और बोर्ड्स के लिए गाइस सजेशन रहेगा, ट्राई नॉट टू यू नो गेट इन टू ऑल दिस, बिकॉज वो कॉपी करने का डर आधा टाइम तो वहाँ अपना वेस्ट हो जाता है. सो ऑल दी बेस्ट गाइज, आई ट्राई टू जस्ट हेल्प यू कि आप अगर स्ट्रेस में हो तो ना रहो, और क्या वर्स्ट हो सकता है, फेल होने से बेहतर है कि हम अटेम्प्ट करें ईमानदारी से, हो सकता है हम बिना कॉपी के ही पास हो जाएं. आई होप गाइज द वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव, प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल.